आपको बच्चे को कंट्रोल करना था तो नरकादि का भय नहीं दिखाना था, आपको बच्चे को ईमानदार बनाना था तो आप ईमानदारी का पाठ पढ़ाते। नरक के कारण ईमानदार बनो, ये पाठ गलत है। बेटा ईमानदार होना ही चाहिए, ईमानदारी हमारा गुण है, ये हमारी वस्तु, हम किसी की वस्तु नहीं रखेंगे। बेईमानी, पापा बेईमानी करेंगे तो क्या मिलेगा? बेटे बेईमानी करने से क्या मिलेगा, बातें है ही नहीं। बेईमानी करना आपका नेचर नहीं है। आप ये जो बेटा ये छोड़ दो वरना नरक चले जाओगे, बात ये गलत है। बेटे तुम इसमें खा रहे हो, इसमें जीव राशि मरती है, जीव हिंसा होती है, फिर भी अभी तुम्हें खाने का राग है, अभी धीरे धीरे समझो आने वाले। बे पापस को खाऊंगा तो कहाँ चले जाऊँगा, नरक चल। ये कोमल होते हैं बच्चे, ऐसी शिक्षा कभी नहीं देना बहुत जल्दी, क्योंकि वो त्याग हमारे जैन धर्म में नरकादि के भय से त्याग बताया ही नहीं। क्या कहा मैंने, पूछो क्यों नहीं बताया? भाई जैन धर्म का मूल सिद्धांत तो यही है कि कोई किसी को मार ही नहीं सकता। असली पहली शिक्षा तो यही है कि कोई किसी को मार नहीं सकता, तो किसी को मारने से नरक नहीं जाते। क्या कहा मैंने, किसी को मारने से नरक नहीं जाते, तो नरक कैसे जाते? ये कह रहे परिणामों से। और बोलो एस भाई साहब, मिथ्या दर्शन के कारण नरक जाते हैं। पूछो कैसे, सिद्ध करो। सिद्ध कर रहा हूं मैं, बहु आरम परिग्रह से भी नरक नहीं जाते, नहीं जाते। डरते क्यों? अगर सम्यक दृष्टि जीव हो, उसका सम्यक दर्शन कायम हो और वो मरे, वो नरक नहीं जा सकता। क्या कहीं हो, कोई तो नहीं बड़ा राजा हो, पढ़ा है ना शास्त्रों में मेरे भाई, ये तो बहुत आगम प्रमाणिक बात है ना, शास्त्रों में लिखा है सम्यक दृष्टि कभी भी कुगतियों में नहीं जाता। तो सम्यक दर्शन के कारण ही रुक गया ना कुगतियों में जाना, और मिथ्या दृष्टि जीव चाहे भिखारी हो, एक रुपए का परिग्रह नहीं हो, तो भी कुछ पता नहीं है कहाँ चला जाए। ये नहीं कह रहा हूँ नरक चला जाएगा, ऐसा मेरी वो नहीं है, लेकिन वो कहाँ चला जाए कोई पता नहीं। मिथ्या दर्शन है तो असली खेल काय का है, तो असली गेम काय से करना चाहिए। असली बात क्या समझनी चाहिए कि भाई अगर सम्यक दर्शन की प्राप्ति नहीं हुई तो ना ये परिणाम मुझे बचा लेंगे, ना ये क्रिया मुझे बचा लेगी, और ना ये त्याग व्रत मुझे बचाएगी।